की बात करेंगे, काफी कुछ प्लान है जैसे कहा खुराफाती दिमाग है आपका। हाँ जी, क्या प्लान चल रहा है? वेल, प्लान हमारा यहाँ पर ये है कि हम सबके सामने, बिकॉज पूरा परिवार एक साथ है इस सेलिब्रेशन में, सो वी वांट दैट जो अनन्या है उसका असली चेहरा, यानी कि वो नाजायज़ लड़की है, वो सबके सामने सामने आ जाए, स्पेशली बेबी के सामने, बिकॉज बड़ों के सामने, बिकॉज मैं चाहूँगी कि उनको पता चले कि ये नाजायज़ लड़की है और कैसे फिर उस बात को सुनकर वो उसे इस घर से बाहर निकाल दे। दैट्स व्हाट माय प्लान इज़। बट अभी पता नहीं हमें कि आगे जाके कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर हम अली को शामिल करते हैं, रिया और मैं अली को शामिल करते हैं, जो बाद में बोलता है मैं इस आप लोगों के इस प्लान में शामिल नहीं होऊंगा बिकॉज मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ हमारा प्लान ए प्लान बी चलता रहता है, एंड वी नॉट यू अभी तक हम उस रिजल्ट में नहीं पहुँचे, उस कल्मिनेशन में नहीं पहुँचे हैं, तो लेट्स सी आगे जाके क्या होएगा। वैसे ही पता है कि नील और करता है प्यार अली, हाँ जी, उसके बावजूद भी हाँ वो तो करता ही है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं हमेशा से, बिकॉज सिचुएशंस ऐसी हुई हैं हमारी ज़िंदगी में, करना फैमिली की ज़िंदगी में, कि जब भी अनन्या मेरे सामने आई है और जब भी कोई मुश्किल या कोई सिचुएशन ऐसी हुई है, तो मुझे हमेशा से ये दिखता है कि अनन्या ही ने ही वो सब किया है और उसी की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे मंडप में अनन्या बैठ गई थी रिया की जगह, रिया से उसकी शादी होने वाली थी, सो फॉर मी इट इज़ दैट शी इज़ डूइंग दिस, जानबूझ के कर रही है, वो चाहती है कि मेरे बेटे को छीन ले और वो चाहती है, कुछ तो है उसकी उसके दिमाग में जिसकी वजह से ये सब कर रही है, एंड वो मुझे बिल्कुल नहीं भा रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव माई सन, एंड बिकॉज शी इज़ अ पोजेसिव मदर, शी इज़ कंसर्न्ड, तो और इसीलिए वो सारे जद्दोजहद, सारी जो साम धन भेद होता है, वो सब इस्तेमाल कर रही है और कोशिश कर रही है कि कैसे इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दें। आपके लुक के बारे में पूछेंगे, श्रुति को कौन सी ऐसी खास चीज़ पसंद है? आई लाइक द कजरा, आई लव फ्लावर्स, एंड मुझे हमेशा ऐसा लगता है, ताई बोल रही थी कि अरे जो फूल आजकल आर्टिफिशियली बहुत होते हैं जो रियल दिखते हैं, तो शी इज़ लाइक आप वो पहन रहे हो, ऐसे नहीं नहीं कभी कभी तो मौका मिलता है गजरा पहनने का, सो लेट्स गेट रियल फ्लावर्स, एंड मोगरा है, खुशबू भी आती है, सो यू डोंट हैव टू स्प्रे परफ्यूम, आई मीन यू नो फूली, सो दिस इज व्हाट आई रियली लाइक। एंड वॉट एल्स लुक के बारे में? वेल या इट्स अ ब्राइडल लुक, एंड बिकॉज थीम हमारी है शादी की थीम, सो दे गिवन मी दिस रेड घाघरा विच इज़ वेरी प्रिटी, एंड ये चोली दी है उन्होंने, चूड़ियाँ दी हैं, बिकॉज पंजाबी हैं तो जनरली वो लोग ऐसे चूड़ा जैसा पहनते हैं, दैट लुक, एंड ऑफ कोर्स दे गिवन मी, आई एम हैप्पी कि बहुत रेड नहीं दिया है, बिकॉज अदरवाइज इट वुड हैव बीन टू मच रेड, सो दे गिवन दिस लाइट ग्रीनिश काइंड ऑफ थिंग, वे ब्यूटिफुल कुंदन सेट, फूल की सेट, एंड नाक का तो मेरा अपना ही है, सो या दैट्स अबाउट इट।